हेलो व्यूवर्स, आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 एंड टेन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रूट 3, और ए प्लस बी की कंडीशन है कि वो 0 से बड़ा बट 90 डिग्री से छोटा और इक्वल, दोनों हो सकता है। 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ उससे बड़ा। और यहाँ पे एक और कंडीशन है कि ए हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए बी, मीन्स ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, तब हमें ए और बी फाइंड करना है। तो अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें हिंट गिवन है वहाँ से। फर्स्ट हिंट आपको ये गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन में से देखेंगे कि हम दो इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे। तो फर्स्ट हिंट हमें ये गिवन है और दूसरा हिंट ये गिवन है। यहीं से ए प्लस बी की इक्वेशन आएगी और यहाँ से ए माइनस बी की इक्वेशन आएगी। फर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3। तो अब हम टेबल में देखते हैं कि 10 में रूट 3 किसकी वैल्यू थी, कौन से एंगल पे रूट 3 वैल्यू थी। ये 10 थीटा और ये रूट 3, तो 10 60 डिग्री होता है रूट 3। तो हम इसमें पुट करेंगे 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, दोनों में लेफ्ट और साइड दोनों इक्वल हो गई है, 10 10 के इक्वल है, तो a प्लस बी के इक्वल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम सेकंड इक्वेशन यहाँ से लेकर आते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें हिंट गिवन है 10 ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3। फिर से हम टेबल की हेल्प लेते हैं। टेबल में हम चेक करेंगे कि 10 1 बाय रूट 3 कहाँ, ये रहा 1 बाय रूट 3, तो इसके 10 30 डिग्री होता है 1 बाय रूट 3। तो हम 1 बाय रूट 3 की जगह पुट करेंगे 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, सेम 10 10 के इक्वल, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट राइट के इक्वल है, तो जो भी वैल्यू आपको लेफ्ट में गिवन है वो राइट के इक्वल होगी। 10 10 के हो गया, तो एंगल एंगल के इक्वल होना चाहिए, तो ए माइनस बी हो गया 30 डिग्री। नाउ इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे ए और बी की। तो इसके लिए आपको पता है कि हमें सब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम एलिमिनेशन मैथड मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। आपको इन तीन में से जो भी मेथड अच्छा लगे आप वो उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे दोनों की मल्टीपल में कॉफिशेंट सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी, a का कॉफिशेंट भी सेम है, b का कॉफिशेंट भी 1 1 है, तो इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा ईजी है। यहाँ पर प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a प्लस a 2a इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो और a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a 90, यहाँ पे 2 का रिलेशन a से मल्टीपल का है, तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, जो रिलेशन यहाँ होगा उसका रिवर्स रिलेशन राइट हैंड साइड में हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हम इस a की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज b, यहाँ पे 45 का b से रिलेशन प्लस है, तो वो राइट हैंड साइड में जाके चेंज माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो गया, 15 डिग्री, तो b हो गया 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हो गई 45 और b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री।
तो आप यहाँ पे देखो जो कि आपकी यहाँ कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वो देखो दोनों फुलफिल हो रही है, ए 45 है और बी 50 है, तो ए प्लस बी 60 डिग्री हो गया। तो 60 डिग्री 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और यहाँ पे ए 45 आया तो 45 15 से बड़ा भी है, तो ये दोनों आंसर बिल्कुल राइट है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा।